खबर पीलीभीत जनपद से जहां थाना क्षेत्र बिलचंडा में एक 52 वर्षीय व्यक्ति को लाठी से तब तक पीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। परिजन शव को लेकर बिलचंडा सीएससी पहुंचे जहां उसे मृतक घोषित कर दिया गया। बता दें कि बिलचंडा थाना क्षेत्र के गांव नवादिया रामपुर निवासी सोनपाल 52 वर्ष सोनपाल के भाई फूलचंद ने बताया कि गुरुवार शाम को उनके भाई खेत की तरफ गए थे। खेत पर गांव के ही रमेश से उनकी कहासुनी हो गई। इसी दौरान रमेश ने आवेश में आकर लाठी से सोनपाल पर हमला कर दिया। रमेश ने लाठी से इतना पीटा कि मौके पर ही सोनपाल की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो रक्तरंजित शव मिला। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिजन प्रधान के साथ सोनपाल को लेकर बिलचंडा सीएससी पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बिलचंडा थाने से एसओ अचल कुमार फोर्स लेकर अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई फूलचंद ने पुलिस को तहरीर दी है। वह पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना बिलचंडा का मामला है। एक व्यक्ति है फूलचंद निवासी नवदिया रामपुर। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके भाई सोनपाल जिनको लगभग 52 साल है वह खेत में सो चुके गए थे और उनके रिश्ते का भतीजा जिसने उनको देखकर गाली गलौज किया। जब उन्होंने मना किया तो इस पर उसने लाठी से प्रहार किया जिससे वो घायल हो गए और उनको सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस को इससे सूचना मिली, पुलिस मौके पहुँची है और उच्च धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो आरोपी है पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर आला कतल जो लाठी है उसको बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।